अपने जनपद से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए इंडिया लाइव न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। गणतंत्र दिवस के अवसर पर कुछ किसान संगठनों द्वारा ट्रैक्टर मार्च के नाम पर रैली निकाली गई, जिसमें हमारे राष्ट्रीय ध्वज को लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज लगा हुआ था, जिसको बेकदरी से उतार कर फेंक दिया गया, जो हमारे राष्ट्र के लिए बहुत ही कलंक का दिवस था। कुछ किसानों के नाम पर अराजक तत्वों ने जिस तरह से दिल्ली में अराजकता फैलाई इस राष्ट्रीय पर्व पर, जो जिसके लिए देश ही नहीं पूरा विश्व हमारे देश की तरफ निगाहें रखे हुए था, आज उन लोगों ने अपने चंद स्वार्थों की वजह से, अपनी राजनीतिक स्वार्थों की वजह से हमारे देश का पूरे का नाम जो था वो बदनाम किया है पूरे विश्व में। ऐसे घृणित कार्य करने वाले लोगों को कभी देशभक्त नहीं कहा जा सकता, ना ही वो किसान हमारे किसान नेता हैं और ना ही वो किसान हैं। इस तरह किसानों के रूप में भेड़िए या कहा जाए जिस तरह से उपद्रवी लोग ने जो उत्पात मचाया उसकी, एवं हमारे जो मीडिया कर्मी थे साथ ही जो रिपोर्टिंग कर रहे थे उनको लाइव दिखा रहे थे, उन पर भी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए हमला किया गया, उनके कैमरे तोड़े गए, उनको बंधक बनाकर पीटा गया। ऐसे लोगों के खिलाफ प्रेस चुकावा प्रेस क्लब घोर निंदा करता है और प्रशासन एवं शासन से ये मांग करता है कि इस तरह के उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई की जाए, एवं हम मीडिया कर्मियों के लिए जो निस्वार्थ और निष्पक्ष भाव से कार्य करते रहते हैं फील्ड में, उनकी जान को हमेशा जोखिम रहता है, हम सभी लोगों की सुरक्षा का इंतजाम किया जाए, ये मैं प्रशासन से एवं शासन से मांग करता हूँ। धन्यवाद। महोदय, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय तहसील सुगावार महोदय निवेदन है कि कल लाल किले पर किसान आंदोलन के नाम पर हमारे राष्ट्रीय ध्वज को उतार कर हम सभी भारतीयों को अपमानित किया है, जिससे हमारे देश की आंखें शर्म से झुक गई हैं। लाल किले पर दूसरा झंडा फहराना क्या सबूत देता है? जिस झंडे के सम्मान में लाखों भारतीयों ने कुर्बानी दी है, लाल किले पर कवरेज कर रहे मीडिया कर्मियों पर हमले की सुगावार प्रेस क्लब घोर निंदा करता है। मीडिया कर्मियों को बंधक बनाकर कैमरे तोड़े गए, वह पीटा गया, इस प्रकार के लोग किसान नहीं हो सकते। हम सभी मीडिया कर्मी किसान के नाम पर उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। मीडिया कर्मी की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, जिससे हम मीडिया कर्मी निर्भीक एवं निष्पक्ष रिपोर्टिंग कर सकें, अन्यथा की स्थिति में मीडिया कर्मियों को धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होगा। निवेदक प्रेस क्लब सुगावार।